सभी को नमस्कार। आई एम मिसेस इंदु बोपचे, टीजीटी मैथमेटिक्स, केंद्रीय विद्यालय बालक, जबलपुर संगठन। डियर स्टूडेंट, इन ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी स्टार्ट क्लास 7, चैप्टर नंबर 5 एंड लाइंस एंड एंगल्स। डियर स्टूडेंट, हियर आर टू वर्ड्स, lines and angles, and today we start from second word, angles. So before starting this chapter, we just recall what is angle, types of angles. Angle, if two rays intersect or cut or meet at one point, these are two rays O A and O B. Both rays intersect at one point, so common vertex, elevation of both the rays is called angle. इसको आप डिस्टेंस वर्ड नहीं बोलेंगे, ये एलिवेशन है, झुकाव जिसे कहा जाता है। अगर आप डाउन से अपवर्ड जा रहे हैं तो उसे एलिवेशन कहते हैं, और अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो उसे आप डिप्रेशन कहते हैं। तो ये आपका है एंगल। Dear students, you already studied about types of angles in class 6. We just recall their names. So, we know there are 7 types of angles. First, zero angle. Zero angle means its measure is 0 degree. If one ray and second ray is overlap on one ray and no elevation and no depression on these two rays, between two rays, it means यहाँ पे कोई भी movement नहीं हुआ, दोनों ray एक दूसरे पर overlap कर रही हैं, ये आपका यहाँ पे जो frame होता है degree वो है 0 degree, it means 0 degree के angle की का measurement है 0 degree. Second one is acute angle. Acute angle नाम से ही cute. और जनरली जब हम कोई चीज छोटे बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं क्यूट बेबी, सो यहाँ पे भी छोटे से ही इसका संबंध है। हिंदी में जब इसे बोलेंगे तो न्यू कौन कहता है, न्यू कौन कहता है छोटा, ठीक है, तो क्यूट किससे छोटा, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से लेस। आपने क्लास 5 में भी पढ़ा है, 3 टाइप्स के एंगल्स दिए हैं आपने, राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट। ये आपने क्लास 5 में स्टडी किया, एंड क्लास 6 में आपने 7 टाइप्स के एंगल देखे, उसमें भी एक्यूट एंगल। जब दो रेज के बीच में ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री इसका मेजरमेंट तो वो होता है एक्यूट एंगल। मेजरमेंट बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझनी है। बिटवीन, जब बिटवीन वर्ड आता है तब यहाँ पर जो दो नंबर आपके पास दिए जाते हैं, दो वैल्यूज जब दी जाती हैं तो उसमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होते, बात का ध्यान रखें। बिटवीन वर्ड में फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू ये दोनों ही इंक्लूड नहीं की जाती, इनके बीच का, ओके। सो अक्यूट एंगल मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। थर्ड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल जब दोनों रेज के बीच में
90 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है तो ये कहलाता है आपका होराइजन। इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री। इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। अभी हमने एक्यूट देखा जो राइट से छोटा, अभी हम ऑब्ट्यूस लेके चल रहे हैं सो जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 मींस ये आपके पास फर्स्ट रे है एंड सेकंड रे आपकी 90 से ग्रेटर है बट 180 से लेस। मेजरमेंट बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। नेक्स्ट वन 180 डिग्री एंगल सो इट इज स्ट्रेट एंगल। सो फिफ्थ वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जब टू रेज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो इनके बीच में जो एंगल फ्रेम होता है वो होता है 180 डिग्री। सो मेजरमेंट इज 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ वन इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये यहाँ से मूवमेंट होते हुए आपके पास और ये ध्यान रखिए यहाँ से इसको हमने मेजर किया है, यहाँ पे इसको मेजर किया है, यहाँ इसको मेजर किया हमने, यहाँ पे कितने एलिवेशन को मेजर किया, यहाँ से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट किया है। ये है आपके पास ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। बिटवीन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। सो अभी लास्ट सेवेंथ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल लास्ट हमारे पास आ रहा है 360 डिग्री। इसका मेजरमेंट है आपके पास 360। यहाँ जब आप जीरो डिग्री को देखा तो यहाँ पे हमने कोई भी सिंबल नहीं बनाया, ये जीरो डिग्री को मीन्स आप एक एलिवेशन हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ दिखने में ये बिल्कुल जीरो डिग्री जैसा ही एक दूसरे पर रेज ओवरलैप हो रही है बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, लुक वाइज दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे फर्क है कि जब ये पूरा एलिवेशन आप यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करते हैं तब ये है आपका मीन्स एक कम्प्लीट रोटेशन। कम्प्लीट रोटेशन क्लास सिक्स में आपने रोटेशन पढ़ा है, फर्स्ट रोटेशन मीन्स 90 डिग्री, टू रोटेशन मीन्स 180 डिग्री, थ्री रोटेशन मीन्स 270 डिग्री एंड फोर्थ रोटेशन मीन्स 360 डिग्री। इसको वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये आपको वन कंप्लीट रोटेशन आ गया और यही आपके पास है 360 डिग्री। सो इसका मेजरमेंट है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं here seven types of angles and in seven types angle we have exact value of angle is 0 degree, 90 degree, 180 degree and 360 degree. So four types के angles की हमने exact value आते हैं और three types के angle जिसका exact value हमें नहीं पता है, वो depend करता है question पे, demand पे या फिर measurement करने पे। ये तो आपके पास हो गया जो आपका previous knowledge था class 6 का। चलिए class 7 के angles में आते हैं। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं बट क्लास सेवेंथ में आपके पास है रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल स्टूडेंट ये वर्ड आपको क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे एक एंगल के बारे में बात नहीं हो रही, कम से कम यहाँ पे दो एंगल है उनके बीच का जो रिलेशन ये आपस में कैसे रिलेट है।
यहाँ पर ये है रिलेटेड एंगल्स. सो रिलेटेड एंगल्स में फर्स्ट टाइप है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगल हमारे पास है और दोनों एंगल्स के मेजर्स को हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, उनका एडिशन अगर हमारे पास 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल्स कहलाते हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए. इफ टू एंगल, इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. याद रखिए जब दो एंगल्स का सम करते हैं और उनकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, एडिशन सम है तो सम जो आता 90 डिग्री, तब वो दोनों एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. दोनों एंगल में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, बट सेपरेट सेपरेट वो एंगल्स क्या कहलाए. एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसके आगे. एंड ये मैंने बनाया 30 डिग्री का और ये मेरे पास है 60 डिग्री. एंड व्हेन वी ऐड बोथ द एंगल्स मेजर्स 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री वी गेट 90 डिग्री. ओके सो दिस फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. सो 30 degree is complement of 60 degree and 60 degree is the complement of 30. So both angles are complement of each other. Okay? So and both angles are complement of each other. इस वर्ड को याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है. एक एंगल की वैल्यू दी गई है आपके पास, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कीजिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं जो आपके बुक्स में बुक में दिया है उसको देख के चलते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं. एक्सरसाइज 5.1 में स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इफ वन एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री. सो हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यू नो 45 प्लस 45 इज 90 डिग्री, बट हाउ will you solve this question. So example is, example के उसमें मैं आपका exercise 5.1 के question number 1st को लिखें. Find the complement of each of the following angles. Find the complement of each of the following. Suppose आपके पास यहाँ दिया है 72 degree. सॉल्व कैसे करना है, मेथड क्या होती है सॉल्व करने की उसे भी थोड़ा ध्यान दीजिए.
सॉल्यूशन इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, स्टूडेंट्स अधूरा रह गया थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन, थोड़ा ध्यान दीजिए. इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स ऑफ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इसमें. द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. चलिए अज्यूम कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उसकी वैल्यू है एक्स, और जब भी हम किसी वैल्यू को अज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए एक वेरिएबल लेके चलते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हमें पता नहीं है सॉल्व करने से पहले, उसे सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट. So, let the complement be x degree. X degree, y degree, a, b, c. A से लेकर z तक आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं. बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब हम अज्यूम करते हैं तो स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, when we add both the angles we find 90 72 degree plus x degree equals to 90 degree. क्या लिखेंगे इसको आप यहाँ पे complementary angles. मेरे स्टूडेंट्स ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज को आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो साइड में रीजन देना आपके लिए बहुत जरूरी. So, x 0 degree is equals to 90 degree minus 72 degree. Subtraction is 80 degree. So, what is the complement of 72 degree? 18 degree. Agar you have 18 degree value here, so what is the complement of 18 degree is 72. So, I hope you understand how to find the complement of angle. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5.1 में. आपके पास आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे पेयर्स दिए हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आने के लिए भी यही है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका एडिशन 90 डिग्री है, तो आप दिए हुए एंगल्स को ऐड कीजिए. अगर उनका एडिशन 90 डिग्री आ रहा है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो क्लास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आते हैं. अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं तो आप इसे बिना सॉल्व किए मीन्स रफ में सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप जानते हैं डायरेक्ट आंसर आंसर पे आप टिक कर लीजिए डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए. बट ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको पूरा सॉल्यूशन शो करना है, तो मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखते जाइएगा. सो योर क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करना है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, मीन्स एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही सेम है. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. लिखते समय थोड़ा सा लिखने में भी आप सावधानी बरतेंगे. जब भी आप सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन आना चाहिए, वो दिखने में भी अच्छा लगता है और आपको सॉल्व करने में भी इजी होता है. सो फर्स्ट यू अज्यूम द वैल्यू ऑफ एंगल, जब आप अज्यूम करेंगे इसका मतलब है कि वो वेरिएबल. लेट द
ऑल्सो एक्सटिंग, क्लियर, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए एंगल के अगर एक्स डिग्री आपने अज्यूम किया तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्स डिग्री, अगर एंगल आपने वाई डिग्री अज्यूम किया है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाई डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, लीजिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। x डिग्री प्लस x डिग्री 2x, ये जो मैंने कहा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, दिखने में भी अच्छा लगता है और आपको सॉल्व करने में भी मजा आता है, अच्छा सॉल्व किया 90 डिग्री, x डिग्री 90 डिग्री। ये जब मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया है आपको कि जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं अगर वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो ट्रांसफर होने के बाद इक्वल टू साइन को ट्रांसफर होने के बाद वो डिविजन कर पाते, एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन है तो डिविजन, और डिविजन है तो वो मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर टू और जो एक्स डिग्री है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है दोनों, तो टू यहाँ पे डिविजन फॉर्म में आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, इट मीन्स एंगल की वैल्यू भी 45 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी, इज इट क्लियर। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए एंगल की वैल्यू है जो कि 45 डिग्री से ग्रेटर है, ओके, तो आपके पास आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो उसको जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या वो 45 डिग्री से ग्रेटर होगा, उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, is its complementary angle greater than 45 degree, equal to 45 degree or less than 45 degree? Student, अभी हमने question number 4 जब solve किया, तो जब angle और complement same है, तो दोनों की value 45 degree है। और अगर आप आपके पास जो angle है, angle is greater than 45 degree, जो complementary angle आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा ये ऑलवेज लेस देन 45 डिग्री होगा, इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है लेस देन 45 डिग्री वही करेगा, क्योंकि 45 इक्वल है, अगर एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू उतनी ही, जितना एंगल की वैल्यू बढ़ी उतनी ही कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो ये आपके पास है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम सप्लीमेंट्री, सेकंड रिलेटेड एंगल में आते हैं आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल डेफिनेशन को मैंने रब इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स के मेजर्स को सम 180 डिग्री, द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट वर्ड, सप्लीमेंट्री एंड बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, वही कंडीशन है, बस उनका एडिशन जो उनका सम है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर
एक एंगल की वैल्यू है 70 डिग्री, तो दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल से अगर, तो दूसरा एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 110 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ 70 प्लस 110 इज 180 डिग्री. सो नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस अबाउट रिलेटेड अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बताया, वैसे सप्लीमेंट्री के भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया था, वैसी क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपके लिए, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए है. फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इसके सप्लीमेंट के इक्वल, सेम एज जो क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया था वैसे ही. इसमें भी आपको अज्यूम करना है, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री. सो अब यहाँ पे डेफिनेशन आपकी सप्लीमेंट्री एंगल की रहेगी. एंगल और सप्लीमेंट दोनों ही सेम है, एंड द सप्लीमेंट इज ऑल्सो एक्स. ओके, सो एट बोथ द एंगल्स इज 180 डिग्री. यहाँ पे रीजन लिख दीजिए इसका, सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगेन 2x0 डिग्री, 180 डिग्री, x डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90 डिग्री. इट मीन्स अगर एंगल और उसके सप्लीमेंट इक्वल है तो उसकी वैल्यू होती है एक राइट एंगल के 90 डिग्री के. क्वेश्चन को वर्ड में भी पूछ सकता है आपके पास, इफ द वैल्यू ऑफ एंगल इज राइट एंगल सो व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल. अगेन आंसर इज आल्सो राइट एंगल. तो आप इसको राइट एंगल में बोले चाहे 90 डिग्री में बोले, दोनों के मीनिंग वही है. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर, यहां पे एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 5.1 क्वेश्चन नंबर 6, एक फिगर है यहाँ पे. इस फिगर में स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है. ये ऐसा नहीं है कि एंगल 1 कह रहा है तो उसको एक लाइन से डिनोट करना है और एंगल 2 कह रहा है तो उसको टू लाइन से डिनोट करना है, ऐसा नहीं है. ये दोनों एंगल्स की जो मेजर्स की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स को शो करने के लिए हम सिंबल भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं. दैट्स व्हाई आप चाहें तो यहाँ पे डबल लाइन दे सकते हैं, यहाँ पे सिंगल लाइन, उससे कोई तो यहाँ पे टू एंगल्स दिए आपके पास, एंगल 1 एंड एंगल 2. कंडीशंस आर, इफ द गिवन, सो इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मींस सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज 180. Conditions are, if angle 1 is decreased,
अगर एंगल वन की वैल्यू को कम कर दिया जाए. वट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल टू सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. अगर एंगल वन की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए तो एंगल टू की वैल्यू में क्या चेंज आएगा कि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल ही रहने चाहिए. So, जितना आप एंगल वन को डिक्रीज करेंगे, जितने डिग्री से आप डिक्रीज करेंगे उतने ही डिग्री एंगल टू की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. सो आपको यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल है. इसका आंसर एंगल टू विल इंक्रीजेस सेम एज एंगल वन डिक्रीजेस. जितनी एंगल वन की वैल्यू कम हो रही है उतनी ही एंगल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. क्लियर. तो ये आपके पास आज मैंने एंगल्स में सिर्फ रिलेटेड एंगल में सिर्फ टू डी एंगल्स दिया है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री. एक थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका कि अक्सर स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में एडिशन 90 है कि सप्लीमेंट्री में एडिशन 90 है. तो याद रखने के दो छोटे से तरीके हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये है आपके पास सप्लीमेंट्री. स्टूडेंट्स इसमें पहला तरीका आप देखिए, फर्स्ट लेटर आपके पास यहाँ पे है सी और यहाँ पे है एस. सी, सी फॉर कॉर्नर. आप अभी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में है या लैपटॉप हाथ में है, तो मोबाइल या लैपटॉप के कॉर्नर को देखिए, वहां 90 डिग्री का एंगल फ्री होता है. सो कॉर्नर, कॉर्नर से 90 डिग्री का एंगल फ्री होता है कॉर्नर पे. इस बात का ध्यान रखिए. नोटबुक में है, आप बुक पकड़े हैं हाथ में, उसके पेजेस के कॉर्नर्स में भी आपका 90 डिग्री फ्री होता है. वॉल्स देखते हैं तो टू वॉल्स के बीच में भी जो आपका एंगल फ्रेम होता है वो भी 90 डिग्री होता है. तो कॉर्नर से याद रखिए 90 डिग्री. अब ऐसे स्ट्रेट लाइन, और अभी हमने 7 टाइप्स के एंगल देखा है, उसमें स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती ही है. तो स्ट्रेट एंगल आपके पास एस फॉर स्ट्रेट, सी फॉर कॉर्नर. ये है ये 90 डिग्री कॉर्नर का और स्ट्रेट एंगल का 180. सेकेंड मेथड है, ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. कॉम्प्लीमेंट्री में सिंगल टाइम पी आता है, 1P फॉर 90, 1P फॉर 90. बट सप्लीमेंट्री में हियर 2 P's आर प्रेजेंट. सो 90 प्लस 90 180. डबल पी मींस पी प्लस पी, इट मींस 90 प्लस 90, दैट मींस 180. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. कल फिर मिलते हैं, रिलेटेड एंगल्स को आगे बढ़ाते हैं.